नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के तेउतर कस्बे के तुरका गोतर गांव में पंचायत सचिव की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां गांव को कोरोना मुक्त रखने सचिव ने जागरूकता अभियान चला दिया। इस अभियान में सचिव के द्वारा गांव में आने जाने की भी मनाही कर दी गई है और लगातार सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही कई ऐसी पहल हैं जिनसे प्रदेश और जिले के अन्य ग्राम पंचायतों को सीख लेनी चाहिए। देश भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत सामाजिक संगठनों सहित आम जनमानस की खासा सहभागिता देखी जाती है। इसी कड़ी में रीवा के तेउतर कस्बे के तुरका गोदर में भी लोगों की जनभागीदारी देखने को मिल रही है और लोग लगातार कोरोना जागरूकता को लेकर आगे आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों के द्वारा लगातार हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है और मुंह में मास्क लगाया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें प्रेरित करने का काम गांव के सरपंच और पंचायत सचिव कर रहे हैं। इस गांव के पंचायत सचिव और सरपंच लगातार कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके तहत पंचायत सचिव के द्वारा लॉकडाउन की समय अवधि शुरू होने के साथ से ही ग्रामीणों को कोरोना जागरूक करने का काम किया जा रहा है। पंचायत सचिव के द्वारा गांव के प्रत्येक लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। इसके अलावा पंचायत सचिव के द्वारा गांव के प्रत्येक लोगों को कोरोना के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पंचायत सचिव के द्वारा गांव के मुख्य द्वार में सैनिटाइजर रखवाया गया है, जिससे गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा गांव के अंदर बाहर से आने जाने वाले लोगों की मनाही की गई है। वहीं अगर गांव का कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य से गांव के बाहर जाता है तो उसके लिए बाकायदा रजिस्टर में नाम लिखाया जाता है और जब वो वापस अपने गांव आता है तो उसे सैनिटाइज किया जाता है। पंचायत सचिव के द्वारा विगत 21 दिनों से लगातार लोगों को अनाउंस के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं हर रोज सचिव खुद गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावा सचिव के द्वारा गांव में प्रत्येक घरों में कोरोना से बचाव के उपायों के भी पोस्टर लगाए गए हैं। की जा रही है, ये क्या व्यवस्था चल रही है ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा बैरियर लगाया गया है और जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उन सब लोगों को पहले तो हाथ धुलवाया जा रहा है और यदि उनके पास मास्क नहीं है तो मुंह और नाक को ढकने के लिए पंचायत द्वारा मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइजर भी उनको निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है, जो शासन के निर्देशानुसार पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अभी एक पूरी यूनिटी के द्वारा पूरे ग्राम पंचायत से अभियान चलाया जा रहा है। घर घर जाकर लोगों को समझाई दी जा रही है कि घर पर रहें, घर से बाहर न निकलें आप लोग, और जो हमारे क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण जन हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और जो ग्राम पंचायत के बेसहारा गरीब भूमक्कड़ जो ग्राम पंचायत के मजदूर हैं शासन के निर्देशन द्वारा उनको भी हम ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको समझाइश देकर 14 दिनों के लिए उनको घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है, और अब जो आज दिनांक से जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ग्राम पंचायत के स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र में पंचायत भवनों में व्यवस्था की गई है उनको ठहरने के लिए, 14 दिनों तक उनको वहीं पर रखा जाएगा और उसके जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनका नियमित रूप से एक सप्ताह में और 14 दिन में उनका लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाँच भी कराई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।